नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन चिंटू में। दोस्तों, क्या आपको भी डर लगता है कि हमारे फेसबुक अकाउंट को कोई हैक कर सकता है, या आपको फिर ऐसे चिंता सताए रहता है? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे सिक्योर करें, कैसे आप सेटिंग करें कि आपको फेसबुक अकाउंट को कोई जिंदगी में भी आपके अलावा और कोई नहीं लॉगिन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को शुरू कर दे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहां पर फेसबुक को लिखकर फेसबुक को खोल लेना है। जैसे ही आप फेसबुक खोलेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस, या फिर बोल सकते हैं कि आपके सामने पेज खुल जाएंगे। तो जैसे ही ये सब सारे पेज खुलेंगे, तो आपको यहाँ पर एक 3 लाइन का डॉट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा, तो इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करिएगा। तो स्क्रॉल करने के बाद आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, याद रखिए दोस्त, सेटिंग। तो देखिए दोस्त, सेटिंग कर देता हूँ मैं। सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लॉगिन, ये जो सेटिंग है ना, इसके अंदर जाना है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन आप इसे लिख सकते हैं या फिर आप इसे याद कर सकते हैं क्या करना है। देखिए, इसमें सब कुछ बता देता है कि आप कहाँ पर इसको लॉगिन करें और कहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही है। एंड्रॉयड पटना में भी एक चीज़ है जहाँ पर ये सब सारे एक्टिव कर रहे हैं इस मोबाइल में, और आपको इससे पहले कहाँ कहाँ लॉगिन किए हैं, किस डिवाइस में लॉगिन किए हैं, सब कुछ इसमें डिटेल दे देता है, ठीक है। इसके बाद बताते हैं कि चेंज पासवर्ड, सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करना है कि इसको ऑफ कर देना है दोस्त। इससे होगा क्या कि जहाँ भी आपने अभी तक लॉगिन किया होगा, वहाँ से सारे के यहाँ सारे लॉग आउट हो जाएंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर रिमूव सेव्ड लॉगिन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फेसबुक लाइट एंड एंड्रॉयड 6। यहाँ पर जहाँ पर भी आपने अननोन सोर्स में फेसबुक को लॉगिन किया, वहाँ सारे से लॉग आउट हो चुका है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आज के डेट तक जितने भी आपने लॉगिन किया है इससे पहले जिस अकाउंट में, सारे में लॉग आउट हो गया, ठीक है। तो पहला सेटिंग तो मैंने बताया कि इसे आपको कर लेना है। उसके बाद दूसरा सेटिंग करना है ये कि इसको जैसे ही आपने सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन को आपने ऑफ किया, इसे ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल तरीके से ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको ये जैसे ही ये ऑफ हो जाएगा, उसके बाद यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है। यूज टू फैक्टर, ये कहने का मतलब है कि दो फैक्टर, एक तो पहला फैक्टर कि आपने पासवर्ड डाला, ठीक है, पहला फैक्टर जो हर कोई करता है, ठीक है। दूसरा जो है कि वो आपको टेक्स्ट मैसेज भेजेगा, यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही किसी भी डिवाइस में आप लॉग इन करोगे, तो आपको पासवर्ड मान के चलिए कोई जान जाता है, ठीक है। तो उसे आप उन्हें उन्होंने लॉग इन कर लिया आपका मोबाइल, लेकिन मान के चलिए ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, इससे ये होगा कि दोस्त आप जो हैं, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालेंगे तभी आप लॉग इन कर सकते हैं, और ओटीपी ऑफकोर्स आप ही के मोबाइल पर ही सिर्फ आएगा। तो इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे फीचर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 2 स्टेप आप कर लेने के बाद आपका सिक्योर पूरे के पूरे फेसबुक अकाउंट हो जाएगी, और इससे इसको कोई डर नहीं रहेगा कि फिर आपका फेसबुक अकाउंट को कोई हैक भी कर सकता है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।